एक बड़ी अपडेट आपको दे दें, सुभाषपा की सावधान यात्रा उत्तर प्रदेश से बिहार जा पहुंची है। बिहार के कटिहार जिले में पहुंची है सावधान यात्रा और 26 सितंबर को इसकी शुरुआत लखनऊ से हुई थी। लखनऊ से यात्रा की शुरुआत हुई थी, 27 अक्टूबर को गांधी मैदान पटना में यात्रा खत्म होगी। बिहार के कटिहार जिले में है, बिहार पहुंच चुकी है ये सावधान यात्रा, समाप्त होगी पटना के गांधी मैदान में 27 अक्टूबर को। सुभाषपा की सावधान यात्रा की बात कर रहे हैं, अब ये यात्रा यूपी से बिहार जा पहुंची। आगे बढ़ते हैं, यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अलीगढ़ में सफाई का निरीक्षण किया और वहां उन्हें गंदगी ही गंदगी नजर आई। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों से अपनी नाराजगी जाहिर की, साथ साथ बहुत जल्दी इस गंदगी को दूर करने के निर्देश दिए। साथ ही कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने विधायक के देर से आने पर भी अपनी नाराजगी जाहिर की। अलीगढ़ दौरे के दौरान सूर्य प्रताप शाही मंदिर भी गए और वहां पर पूजा अर्चना भी की। ये भाई साहब अधिकारी जिस तरीके से करते हैं इसलिए हराम खोरी करते हैं, हराम खोरी वो इसलिए कर किसी भी करते हैं उसको वाकई है। जहाँ जनप्रति जागरूक नहीं रहेगा ना तो यही सब लोग पैदा करेंगे। देखिए आप, सूर्य प्रताप शाही नाराज हुए गंदगी को देखकर, विधायक के देर से आने पर भी नाराज थे, अलीगढ़ के दौरे पर हैं, मंदिर भी गए, पूजा अर्चना भी की, नाराजगी जब उन्होंने व्यक्त की तो आप देख सकते हैं। और इधर अंबेडकर नगर में जिलाधिकारी ने एक विवादित बयान दिया है, एक वीडियो वायरल हो रहा है और उसमें बाढ़ पीड़ितों को जिलाधिकारी महोदय फटकार लगा रहे हैं। राहत मांगने वालों को उन्होंने कहा कि सरकार जोमैटो नहीं चला रही है। वायरल वीडियो से विवादों में गिर गए जिलाधिकारी, खूब वायरल हो रहा है ये वीडियो और उनका ये वक्तव्य, और घिर चुके हैं अंबेडकर नगर में जिलाधिकारी, कहते हैं राहत मांगने वालों से कि सरकार जोमैटो नहीं चला रही। ये जवाब था उनका उन लोगों को जो कि बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं, जिनके जीवन पर संकट है, जिनकी तमाम संपत्तियां जो हैं वो नष्ट हुई। रुकने के लिए व्यवस्था है, क्लोरीन टैबलेट दे देंगे, किसी को कोई समस्या नहीं आएगा, कोई बीमार है तो डॉक्टर आके देख लेगा। भाई आप इसलिए बाढ़ चौकी स्थापित होता है, बाढ़ चौकी क्या पर्पस है? आप लोग घर पे रहेंगे, हम लोग घर पे पहुंचवाएंगे खाना? जोमेटो सर्विस थोड़ी चला रहे हम लोग सर, कैसे जोमेटो थोड़ी चला रहा है सरकार? रुकने के लिए व्यवस्था है, क्लोरीन टैबलेट दे देंगे, किसी को कोई समस्या नहीं आएगा, कोई बीमार है तो डॉक्टर आके देख लेगा। भाई आप इसलिए बाढ़ चौकी स्थापित होता है, बाढ़ चौकी क्या पर्पस है? आप लोग घर पे रहेंगे, हम लोग घर पे पहुंचवाएंगे खाना? जोमेटो सर्विस थोड़ी चला रहे हम लोग सर, कैसे जोमेटो थोड़ी चला रहा है सरकार? रुकने के लिए व्यवस्था है, क्लोरीन टैबलेट दे देंगे, किसी को कोई समस्या नहीं आएगा, कोई बीमार है तो डॉक्टर आके देख लेगा। भाई आप इसलिए बाढ़ चौकी स्थापित होता है, बाढ़ चौकी क्या पर्पस है? आप लोग घर पे रहेंगे, हम लोग घर पे पहुंच। एक ही सांस में जिलाधिकारी महोदय ने बाढ़ पीड़ितों को बता दिया कि हम क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, लेकिन जोमेटो सर्विस नहीं चला रहे। स्वागत ब्रेक के बाद आप सभी का। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है और दो गो तस्करों को गोली लगी है। आबिद और फुरकान नाम के बदमाश इस मुठभेड़ में घायल बताए जा रहे हैं। बदमाशों के पास से दो तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद हुए। दो बदमाशों पर पहले से कई मामले दर्ज हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में मुठभेड़ हुई है, दो गो तस्करों को गोली लगी है। आबिद और फुरकान नाम है इनका, ये घायल हुए हैं इस मुठभेड़ में और इनके पास से दो तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।